दोस्तों, टाटा आईपीएल 2022 सीजन में 43 और 44 मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। एक नंबर में है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 8 मुकाबले जीती है। कुल पॉइंट है 16। दो में है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 6 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 12। तीन नंबर में है लखनऊ सुपर जेम्स की टीम। लखनऊ सुपर जेम्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 6 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 12। चार नंबर में सनराइजर हैदराबाद की टीम। सनराइजर हैदराबाद की टीम कुल 8 मुकाबले खेली है, जिसमें से 5 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 10। पांच नंबर में राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम कुल 10 मुकाबले खेली है, जिसमें से 5 मुकाबले जीती है। कुल पॉइंट है 10। छह में है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम कुल 8 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 8। छह में पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 8। आठ में है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 3 मुकाबले जीती है, 6 मुकाबले हारी है और कुल पॉइंट है 6। नौ नंबर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुल 8 मुकाबले खेली है, इसमें से 2 मुकाबले जीती है और 6 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 4। दस नंबर में मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 1 मुकाबले जीती है और 8 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 2।